एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीविला क्लासेस। आई एम निविता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 में इसे डिफाइन किया गया है और इसे नैराशय का सिद्धांत भी कहा जाता है हिंदी में, और इसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहा जाता है। इसे आप याद कर लेंगे और इसे आप नोट आउट कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी पूछे तो आप घबरा मत जाइएगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को ही डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी इनिशियल कारणों या किसी घटना की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं या हम डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। इसे हम टू पार्ट के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। फर्स्ट आ जाती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल हो, वॉइड हो, तो उसे हम इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की पारा, जो सेक्शन 56 है उसकी पारा 1 में डिफाइन किया गया है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। ये चीज क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल है, ये वॉइड है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें जादू के द्वारा खजाना निकाल के दिखाऊंगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि जादू के द्वारा कोई भी खजाना निकाला जा सकता है? नो, इम्पॉसिबल। तो ये वॉइड है। ओके, ये वॉइड है, इम्पॉसिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए बी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ ध्यान समझिएगा तभी आप समझेंगे। ए बी से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बट बी जो है जे के साथ में पहले से शादीशुदा है, तो क्या ए और बी शादी कर सकते हैं? नो, बिकॉज अगर ए बी से शादी करता है तो बाइगेमी के अपराधी हो जाते हैं, और आपको पता है कि आईपीसी के तहत ये सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ए और बी जो है आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। यहाँ आपने समझे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट आते हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 में डिफाइन किया गया है, और इसमें कहा गया है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो हुआ हो बट किसी इनिशियल कारणों की वजह से या किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसे हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। सही अर्थों में समझा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है यही सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में लागू होता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ए है, बी है। ए बी से विवाह करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। ए बी से विवाह करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट क्या होता है कि शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है, 15 तारीख को शादी होने वाली है। अब बी क्या होती है कि 10 को पागल हो जाती है, 10 तारीख को, 10 जो डेट है उसको पागल हो जाती है, 15 तारीख को शादी है, तो क्या ए विवाह करेगा बी से? नो, क्योंकि वो जान गया कि वह लड़की जो है 10 तारीख को ही पागल हो गई है, तो 15 तारीख को वह विवाह करके फंसने क्यों जाएगा? तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है बट सब्सिक्वेंट कारणों की वजह से क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो ये विवाह जो है असंभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। यहाँ आपने समझ गए। अब यहाँ पर केस डिस्कस करते हैं। दो केस है, ये भी इम्पोर्टेंट केस है, इसे आप नोट आउट कर लेंगे। क्रेल वर्सेस हेनरी 1903 2KB 740। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है, वो किसी राजा का रुद्राभिषेक देखने के लिए एक कमरा बुक करता है 26 और 27 जून को एक कमरा बुक करता है, ताकि उसके गैलरी से जो राजा का राज्याभिषेक जो जाता है, गैलरी से जो जुलूस जाता है उसको देख सके, और उसके लिए रूम के जो ओनर रहते हैं, या हम कह सकते हैं जो अपार्टमेंट के ओनर रहते हैं, तो उसको उसने पहले से एडवांस पैसा दे देता है और बोलता है कि जिस दिन मैं जुलूस देख लूंगा बाकी पैसा आपको दे दूंगा। बट किसी रीजन की वजह से फीवर हो जाता है राजा को, और राजा को जो राज्याभिषेक का जुलूस जो रहता है उस गली से नहीं जाता है, उस होटल के द्वारा नहीं जाता है, उस रूम के द्वारा नहीं जाता है, और क्या किया जाता है कि वो जो व्यक्ति जो होटल बुकिंग किया रहता है, रूम बुक किया रहता है,
वो उसे कहता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था कि राजा का रुद्राभिषेक देखना है, उसके लिए मैंने रूम बुक किया है, अब मैं उस रूम में नहीं आऊंगा बिकॉज राजा का जुलूस नहीं जा रहा है। तो वो जो रूम का ओनर था, जो होटल का ओनर था, उसने केस फाइल कर दिया उस लड़के के प्रति कि ऐसा थोड़ी होता है कि आपने रूम बुक किए और आप अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप मेरा पैसा नहीं पेमेंट करेंगे। कोर्ट ने कहते हैं, कोर्ट कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही पूरा नहीं हुआ, आप पहले से ही एडवांस बुकिंग के लिए पैसा दे दिए हो, बट जो भी पैसा आपको पेमेंट करना है आप वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी इनिशियल रीज़न की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया, या सब्सिक्वेंट रीज़न की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं हो पाया। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ बट उसका ऑब्जेक्ट जो है, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से उसके जो ओनर का जो केस था उसको खारिज करके उस लड़के को 26 और 27 जून को वो लड़का कमरे में नहीं जाता है और उसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी पे नहीं करना पड़ता है। यह आपने समझे इस केस को। अब सेकेंड केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम बांगूर AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 44। ओके, इसमें क्या कहा गया था कि जो क्या हुआ था कि एक जो डिफेंडेंट था उसने एक लैंड का डेवलपमेंट कर दिया था, एक लैंड थी उसने क्या किया था, डेवलपमेंट कर दिया था। डेवलपमेंट करने के बाद जो एक प्लांटिव व्यक्ति रहता है उसमें से एक प्लॉट को खरीद लेता है, कि चलो ये लैंड जो है बहुत ही अच्छा लैंड है, इसीलिए उसने एक प्लॉट खरीद लेता है, प्लांटिक के द्वारा एक प्लॉट खरीद लिया जाता है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उस जो लैंड है उसमें सैनिक के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना है इस भूमि पर हमें कार्य है, इसके जो भी उससे कार्य होगा तो सैनिक के द्वारा वह लैंड को ले लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। तो वो जो कंपनी रहती है, जो लैंड का मालिक रहता है, वो केस फाइल करता है कि मैं इस जो लैंड है उसका डेवलपमेंट नहीं कराऊंगा, इसका मालिक नहीं बनूंगा क्योंकि ये जो सैनिक के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। बट क्या कोर्ट क्या कहती है, उसे क्या कहता है कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इसमें डाल दिया जाता है कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था बट क्या है कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण यह मैं लैंड नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इसमें सैनिकों का कब्जा कर लिया गया। बट कोर्ट के द्वारा यही कहा जाता है कि जो सैनिकों का जो कब्जा किया गया है वह कब्जा जो है थोड़े टाइम के लिए किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में विलम्ब होगा बट असंभव नहीं है। ये क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो सैनिक जो है यहाँ से हट जाएंगे, कोर्ट का कहना था सैनिक जो है हट जाएंगे और इसमें भले ही लेट होगा बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लैंड से आप यहाँ से हट नहीं सकते हो, आप इसकी जो ओनरशिप है उससे हट नहीं सकते हो, ये चीज़ इस केस में बताया गया था। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे काउसेस ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मीन्स इसके कारण क्या क्या है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें 6-7-8 कारण है उसको मैं डिस्कस कराऊंगी। काउसेस है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द चेंज इन लॉ, विधि के चेंज हो जाने की वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग बिहार में शराब का कारोबार करेंगे, बट क्या होता है कि बिहार के नीतीश सरकार के द्वारा शराब की बंदी करा दी जाती है, तो क्या इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉसिबल होगा, नहीं इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जब शराब की बंदी करा दी गई है तो वहाँ कौन पिएगा, पीने की बात नहीं है, वहाँ पर शराब की फैक्ट्री भी लगाना इनवैलिड है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लॉ जो चेंज हुआ उसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इम्पॉसिबल हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ओके, ये रीज़न है आपके सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, या हम कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का रीजन है फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड रीजन है इम्पॉसिबिलिटी बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ए जो है बी का कमरा लेता है कि मैं उसमें ट्यूशन पढ़ाऊंगा इसीलिए आप मुझे एक कमरा दे दीजिए, बट ट्यूशन पढ़ाने के लिए जैसे ही वह रूम में जाने के लिए वह अपना कपड़ा को पैकिंग करता है, इससे पहले ही बी जो कमरा देता है उसमें आग लग जाती है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होगा, नहीं
क्योंकि बी के कमरे में वो ए गया ही नहीं और ट्यूशन पढ़ाया ही नहीं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर जिस सब्जेक्ट के लिए उसने खरीदा है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके रीजन बन जाते हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कॉसेस बन जाते हैं। सेकेंड एंड थर्ड है इम्पॉसिबिलिटी बाई इनकेपेबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर फ्रॉम फॉर पर्सनल सर्विस। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए जो है बी से कहता है कि ए जो डॉक्टर है बी से कहता है कि आप मेरे क्लिनिक में आएंगे तो मैं आपकी जो रोग है, मैं जो आपकी जो पीड़ा है उसको मैं दूर कर दूंगा 3 महीने में। बट क्या होती है कि बी जो है उसके पास अभी दिखाने के लिए गया ही नहीं है कि डॉक्टर ए जो है पागल हो जाता है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉमिस किया गया कि हाँ हम आपका जो रोग है उसे हम दूर कर देंगे, तो इनकैपेबिलिटी के कारण, पागल होने के कारण वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट है इम्पॉसिबिलिटी बाय नॉन अकुरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे कि मैं एक थिएटर में मूवी के लिए जाती हूँ, मूवी के लिए टिकट बुक करती हूँ। मैंने 15 को टिकट बुकिंग किया, 15 दिसंबर के लिए मैंने टिकट बुकिंग कर दिया पहले ही से एक इवेंट में जाने के लिए, हम कह सकते हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। बट क्या होती है कि किसी रीज़न की वजह से 15 तारीख को वो मूवी जो दिखाई ही नहीं जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे और जो थिएटर है उसके बीच जो इवेंट मैनेजर है उसके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो मैंने टिकट बुकिंग किया है उस मूवी को देखने के लिए किया है, या हम कह सकते हैं उस इवेंट को देखने के लिए किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो टिकट बुकिंग किया है उस मूवी या इवेंट को देखने के लिए किया है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं होगा और मैं उस पैसे को पाने की अधिकारी रहूंगी जितने मुझे टिकट बुकिंग करने में पैसे लगे हैं। ओके, तो ये भी एक कॉसेस हो जाते हैं, ये भी एक रीज़न हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, जो इम्पॉसिबिलिटी का। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है डिसकनेक्टिवेंस ऑफ फंडामेंटल स्टेट ऑफ थिंग। क्या होती है कि ए जो है, ए स्टेट जो है बी स्टेट के साथ में, जैसे एक देश जो है दूसरे देश के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, आपको तो पता है कि पोर्ट के द्वारा, बंदरगाह के द्वारा कोई भी माल को या कोई भी व्यापार को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। बट दोनों स्टेट के बीच में क्या होती है कि झगड़ा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो दोनों स्टेट के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बंद हो जाएगा, या जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ओके, ये भी फिफ्थ पॉइंट आते हैं। एंड सिक्स पॉइंट है आउटब्रेक ऑफ वॉर। यहाँ पर भी यही चीज बताया गया है कि ए स्टेट बी स्टेट के साथ में झगड़े जैसी या युद्ध जैसी या वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो एक देश जो है दूसरे देश के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका पालन करना जो है असंभव हो जाता है कुछ इनिशियल रीजन की वजह से या सब्सिक्वेंट रीजन की वजह से। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के कॉसेस हो जाते हैं। ओके, एंड सेवेंथ पॉइंट है ऑन डेट। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट क्या होता है कि बी जो है मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या ए का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो व्यक्ति तो मर गया है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है बाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। क्या होता है कि कोई भी कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी रीजन होती है कि कोर्ट के द्वारा कोई भी चीज़ बंदी कर दी जाती है या कोई भी चीज़ ऑर्डर दे दी जाती है कि ऐसा कारोबार नहीं किया जाएगा, तो भी जैसे कि ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग ऐसा व्यापार करेंगे, लेकिन कोर्ट के द्वारा उस चीज़ पर बैन लगा दी जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये सब आपको मैंने सेवन एट पॉइंट है कॉसेस ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कॉसेस मैंने बताई। तो आज आपने समझा नैराश्य के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आगे हम लोग और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।